मटन दरबारी, इसे दरबारी गोश्त या दरबारी मटन भी कहते हैं। ये टेस्ट में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। इसे खाने के लिए आपको बार बार होटल जाने की जरूरत नहीं है, ये घर में भी बहुत ही इजीली बन जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जायका विद रूबी। मैं आज आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन दरबारी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल मटन दरबारी को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है और मैंने इसे कैसे बनाया है। ये मैंने हाफ के जी आधा किलो बकरे का गोश्त लिया है। इसे मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, रफली चॉप किए हुए। ये मैंने 2 लार्ज साइज के ऑनियन लिए हैं, जिसे मैंने ऐसे स्लाइस कट कर लिया है। मटन दरबारी में ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर 12 काजू लिए हैं, कैश्यू नट, और ये 2 मैंने साबुत वाली लाल मिर्च ली है, और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने राई सरसों ली है, और यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने व्हाइट सीसमी सीड सफेद वाले तिल लिए हैं, और ये मैंने 1 टीस्पून चारों मगज लिए हैं। इनको ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए हैं, 2-3 जावित्री के ब्लेड लिए हैं, और ये एक सिनेमन स्टिक है, और एक बड़ी इलायची ली है मैंने, 4 छोटी इलायची ली है सब्जी इलायची, 5-6 लौंग ली है, और 15-16 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है, और 1/2 टीस्पून मैंने साबुत जीरा लिया है, और ये मैंने पाउडर्ड मसाले लिए हैं। इनमें 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। ये ज्यादा तीखी वाली रेड चिली नहीं है, जो रेगुलर अपने घर में यूज होती है ये वही वाली रेड चिली है। ये 2 तेज पत्ते बेलीफ लिए है मैंने बखार लगाने के लिए। ये मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। आइए मटन दरबारी बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है, इसमें मैंने जो लाल मिर्च ली थी उसे ऐसे तोड़ तोड़ के डाल दूंगी और इसे रोस्ट कर लूंगी। दरबारी गोश्त में भुनी हुई लाल मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं इसे सबसे पहले रोस्ट कर रही हूँ। मिर्चों के बाद मैंने जो राई मस्टर्ड सीड ली थी उसे भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी और इसे लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। ये दरबारी गोश्त का मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसे ऐड करने से खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये दरबारी गोश्त के फ्लेवर को काफी इन्हेंस भी करता है। इसके साथ ही मैंने जो मगज और काजू लिए थे उन्हें भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैंने जो मोटा गरम मसाला लिया था उसे भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी, और 1 मिनट के लिए इन सारी चीजों को लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। बस इस जगह पे हमें ये ध्यान रखना है कि इन चीजों को हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। और ये देखिए, इसे रोस्ट करते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। तो इसके साथ ही मैंने जो व्हाइट तिल सीसमी सीड ली थी उसे भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी, और 30 सेकंड के लिए इसे और इन सारी चीजों के साथ अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू रिलीज हो रही है इन मसालों से। इस स्टेज पर अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये ठंडा होकर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो मैं इसे मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका फाइन स्मूथ सा एक पेस्ट बना लूंगी, और फिर उसी पेस्ट को ही हमें इस रेसिपी में ऐड करना है। आप चाहें तो इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, और फाइन पाउडर बनाकर भी आप इसे इस रेसिपी में ऐड कर सकते हैं। देखिए, दरबारी गोश्त बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करके मैंने इसे गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं सबसे पहले मैंने जो बेलीफ लिए थे उन्हें ऐड कर दूंगी, और उसके बाद मैंने ये जो स्लाइस कट किए हुए अनियन लिए थे इन्हें भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो मैं अब इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। ये देखिए, हाई फ्लेम पर लगातार स्टीर करते हुए 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगा है और ये ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैंने ये जो मटन लिया था इसे भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। मैं इसे भी इसमें लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लूंगी, इससे इसमें मटन की जो भी रॉ स्मेल है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। इसे भी हमें हाई फ्लेम पे ही ऐसे फ्राई करना है। मटन को ऑयल में फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए, इसकी रॉ स्मेल भी बिल्कुल खत्म हो गई है, और ये देखने में भी थोड़ा सा गोल्डन दिखने लगा है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। यहाँ पर मैंने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था उसे भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें यहाँ पे मैंने जो पाउडर्ड मसाले लिए थे, नमक हल्दी और लाल मिर्च वगैरह, उन्हें भी इस जगह पर ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैं इसमें मैंने जो रफली चॉप किए हुए टमाटर लिए थे उन्हें भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अब इन सबको इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें भून लूंगी। मैं मटन दरबारी को फ्राई पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप जायके के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते
तो आप इसे पैन में ही बनाएं, क्योंकि पैन में बनने से इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 2 सर्विंग स्पून जितना पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे मटर हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। हमें इसमें पानी बहुत ही कम यूज करना है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई ड्राई और बिल्कुल भुना भुना ही बनता है। तो मैं अब इसमें लिड लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पका लूंगी। ये देखिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर लिड लगा के पकते हुए इसे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए, मटन इसमें काफी अच्छे से टेंडर भी हो गया है और ये देखने में भी देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। तो मैं अब इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगी, जिससे इसका जो भी पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। हाई फ्लेम पे इसे लगातार स्टिर करते हुए भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और ये इसका ऑयल भी सरफेस पे आ गया है। इस पर मैं इसमें मैंने ये जो भी मसाले लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट बनाया था, काजू तिल वगैरह, उन्हें मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। इस पेस्ट को इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मटन दरबारी की ग्रेवी काफी रिच होती है। इसमें काजू, मगज, तेल, इन सारी चीजों का यूज होता है, तो उससे ये काफी हेल्दी भी हो जाती है। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पर मैं इसमें लिड लगाकर इसे 2 से 3 मिनट और पका लूंगी, जिससे ये ड्राई हो जाए और फाइनली कुक्ड हो जाए। तो ये देखिए, इसे लिड लगा के लो फ्लेम पे पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इसे देख लेते हैं, तो ये देखिए, अब ये फाइनली कुक्ड हो चुका है। कंसिस्टेंसी भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट आई है, ना ज्यादा ड्राई है और ना बिल्कुल ही गीला। सबसे लास्ट में हरा धनिया से गार्निश कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये बनके बिल्कुल रेडी है। इसे टोटली कुक्ड होने में 25 मिनट का टाइम लगा है। मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसे डिश आउट कर लूंगी। ये देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और रेस्टोरेंट के ही जायके में बनके हमारा मटन दरबारी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखा आपने, इसे कितना इजी है घर में बनाना। वैसे तो ये डिनर स्पेशल रेसिपी है, आप इसे लंच और डिनर किसी भी टाइम खा सकते हैं। आप मेरी इस मटन दरबारी बनाने की रेसिपी को एक बार अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये मटन दरबारी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।